रैली रामलीला मैदान से बीजेपी फूकेगी विधानसभा चुनाव का बिगुल, रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। नागरिकता कानून पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा सीए मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, कांग्रेस का षड्यंत्र समझे मुसलमान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण पर उठाए सवाल, जबरन जेल चला जाता है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर से लोगों को सचेत रहने की दी नसीहत। जयपुर में एनआरसी और सीएए के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, आज कांग्रेस सीएम गहलोत के नेतृत्व में निकालेगी शांति मार्च, रैली को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट। कांग्रेस के शांति मार्च को लेकर शहर का यातायात डायवर्ट, प्रदर्शन के दौरान फ्लोर मेट्रो सेवा दोपहर 2 बजे तक रहेगी बंद, यात्रियों को करना पड़ेगा परेशानियों का सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। शुरुआत करेंगे बुलेटिन में कुछ खास खबरों की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 1734 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए रामलीला मैदान में एक रैली आयोजित की है। पार्टी ने रविवार को रामलीला मैदान में आयोजित पार्टी की रैली में 2 लाख की भीड़ जुटाने का दावा किया है। धन्यवाद रैली में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान का बिगुल फूकेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के मुताबिक कुल 7 सांसदों, 281 मंडल अध्यक्षों, निगम पार्षदों, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को समर्थकों को जुटाने का लक्ष्य दिया गया है। हर मंडल से कम 500 लोगों को रैली में लाने के लिए पार्टी ने कहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लाखों की भीड़ को संबोधित किया। गडकरी ने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को कांग्रेस के बहकावे में नहीं आना चाहिए। बंगाली हिंदू है जो अभी हमारे भाई यहां बात कर रहे थे, हमारे गढ़चिरौली में बांग्लादेश का कैंप है और वहां बांग्लादेश से हिंदू निर्वासित करके आए हैं। यहां जरीपटका में हमारे हिंदू भाई बहने यहां आई है, बसी हुई है, उन सबको हमने नागरिकत्व देने का, नागरिकता देने का निर्णय किया है। कौन सा गलत निर्णय हमने किया? कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अन्याय करने वाला ये कोई निर्णय नहीं। हम कोई माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है और यह भी सच्चाई है कि जो संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखा था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस बात की पुष्टि की थी, जिस बात की पुष्टि वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थी, उन्होंने उस समय जब हिंदू जैन बौद्ध क्रिश्चियन सिख ईसाई पारसी इनके लिए जब उनको निर्वासित शब्द यूज किया था, रिफ्यूजी शब्द संविधान में यूज किया था, तो आने वाले मुसलमानों के लिए भी उन्होंने ये शब्द का उपयोग संविधान में क्यों नहीं किया था? नागरिकता कानून को लेकर भाजपा के पैदल मार्च के बाद अब कांग्रेस शांति मार्च की राह पर है। ये शांति मार्च अल्बर्ट हॉल से शुरू हुआ जो गांधी सर्किल तक है। इसमें सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, तमाम मंत्री, विधायक, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल है। शांति मार्च में एनजीओ, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। शांति मार्च में केंद्र सरकार से कांग्रेस की मांग है कि वो नागरिकता कानून को वापस ले। इससे पहले शुक्रवार को भाजपा ने नागरिकता कानून के पक्ष में पैदल मार्च कर सभा की और इस कानून को देश के हित में कहा था। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शांति मार्च की नौटंकी बंद करके एक जिम्मेदार राजनेता की तरह व्यवहार करना चाहिए।
दौसा के लालसोट रोड स्थित एक मोबाइल शॉप को चोरों ने निशाना बनाते हुए करीब 25 लाख के मोबाइलों को पार कर लिया है। घटना अलसुबह करीब 4 बजे के लगभग की है। वहीं ये चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात की सूचना मिलने से मौके पर पहुंचे कोतवाली थाना प्रभारी श्रीराम मीणा ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और इस दौरान कोतवाली थाना प्रभारी ने कहा कि दौसा और अन्य शहरों में ऐसी कई वारदात पिछले दिनों भी हो चुकी हैं। सीसीटीवी में 5 लोग चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुटी हुई है। इस वारदात को देखते हुए ये बाहर की गैंग सी लग रही है, जो प्रोफेशन पहले भी इस तरह की अलवर और दौसा में घटनाएं हुई है कि वो चद्दर लगा के और सेकंडों में शटर को ऊंचा करके और अंदर प्रवेश किए दो लड़के और उनके डैडी वाडी बढ़िए थैले भी ऐसे लगे हैं जो कि कोई कहीं कोई यात्री ऐसे तरीके हो और कोई पहचान नहीं कर सके और वो अंदर फिर दो लड़के प्रवेश किए, 4-5 लड़के पूरे दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी में और गर्म कपड़े भी पहन रखे हैं इन्होंने। है ये मतलब सातिर अपराधी हैं और जो बाहर की गैंग हो। खबर दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पर मीनापाड़ा गांव में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी पर लाठी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान मामले की जानकारी देते हुए मानपुर थाना प्रभारी मांगीलाल मीना ने कहा कि मृतका के पिता ने पुलिस को सूचना दी कि मृतका का पति कालूराम मीना उसके साथ मारपीट कर रहा है। इस पर मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां संदिग्ध अवस्था में विवाहिता का शव बरामद हुआ। वही पुलिस ने मौके पर साक्ष्य जुटाकर शव को सिकरा अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। पुलिस कथित तौर पर हत्यारे पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वही प्रदेश में पंचायती राज चुनावों का बिगुल बजते ही विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वही प्रत्येक जिला स्तर पर पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों की लॉटरी भी खुलना शुरू हो गई है। लेकिन पंचायती राज चुनावों में तीसरी संतान के पैदा होते ही चुनावों में अयोग्य घोषित करने वाले नियमों को लेकर राजस्थान सरकार के कई विधायक खिलाफ हो गए हैं। इसको लेकर कई बार विधानसभा और राजनीतिक सभाओं में मुद्दे उठे हैं। इसी को लेकर बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी विधायक हेमाराम चौधरी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि पंचायती राज में इस नियम के कारण भ्रूण हत्या बढ़ रही है। दरअसल गुड़ामालानी विधायक बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों की लॉटरी में भाग लेने आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। विधानसभा में संविधान पर जो चर्चा हुई थी उसमें भाग लिया, उसमें तीसरी संतान पैदा होने पर चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे को उठाया था और खास करके ये पंचायत राज संस्थाओं में तीसरी संतान पैदा होने पर चुनाव लड़ने पर रोक है, जबकि सांसद और विधायकों के लिए इस प्रकार की कोई रोक नहीं है। तो ये संविधान के विरुद्ध है। इस प्रकार का जो भी कानून बनाया है, हम खुद कानून बनाने वाले हैं और हम कानून बनाने वाले अपने आप को उस कानून से बाहर रखते हैं और दूसरी जनता के लिए इस प्रकार का कानून बनाते हैं। मैं कम से कम अपने व्यक्तिगत राय से श्रीकरणपुर में राजस्थान सरकार की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए शनिवार को आयोजित हुए साइकिल वितरण कार्यक्रम में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि तकरीबन 1.25 महीने के लंबे इंतजार के बाद कई बेटियों को साइकिल वितरण कार्यक्रम में पंक्चर साइकिलें वितरित की गई हैं। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से वितरण की गई साइकिलों को देखकर बालिकाओं के चेहरों पर निराशा देखी गई। तो वही बालिकाएं साइकिलों में हवा भराने और पंक्चर सही करवाने के लिए नजदीकी दुकान पर पहुंची। सबसे मजेदार बात तो ये रही कि इस कार्यक्रम में विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर, श्रीगंगानगर प्रभारी सचिव IAS वैभव गालरिया के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। राजस्थान के बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि इस महिला को एक निजी अस्पताल में प्रसव से पहले गंभीर हालत का हवाला देते हुए जोधपुर रेफर कर दिया था। महिला के परिजन उसे राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों की टीम ने ऑपरेशन थिएटर में सफल ऑपरेशन किया, जिसमें ललिता सेन ने एक बच्ची और 2 बच्चियों को जन्म दिया है। आपको बता दें कि ललिता सेन की राजकीय अस्पताल के डॉक्टर सवाई खत्री डॉक्टर कमला वर्मा ने बड़ी गंभीरता से डिलीवरी की है। इसके साथ ही डॉक्टर हरीश चौहान और डॉक्टर महेंद्र चौधरी ने 3 बच्चों के जन्म के बाद उनके स्वास्थ्य को देखा है।
गया था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा, जिसको जिसमें ट्रिपलेट बेबी डिलीवर हुए हैं। एक का वेट 2.1 केजी है, एक 1.8 केजी है और एक 1.45 केजी है। डॉक्टर प्रभुदयाल ने उसको अटेंड किया था सीधा को, फिर एफडीएमसी में एडमिट करने के बाद मैंने उसको रिसीव किया बच्चों को। तीनों बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है एसएनसी में, जिसका वजन कम है, उसकी स्थिति नाजुक है। हरियाणा के सोनीपत में विश्व हिंदू परिषद और कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों पर नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली निकाली। ये रैली शहर के सुभाष चौक पहुंची, जहां पर लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की उन्नति में तरक्की के लिए समय समय पर कानून लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देश की सुरक्षा व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन कुछ राजनीतिक दल और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। वो है नागरिक संशोधन बिल, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में लागू हुआ है, उसका हम सब पुरजोर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उस गुंडा एलिमेंट को ये संदेश देना चाहते हैं जिन्होंने पत्थरबाजी व आगजनी जो की है, वो देश का नागरिक होने के नाते ऐसा ना करें। और हम पूरे जो संगठन है, विभिन्न सामाजिक जो लोग यहाँ आए हैं, उनकी उन सब का एक ही मत है कि हम इसको समर्थन करते हैं और देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, वो इसका पूर्ण समर्थन करें। मोदी जी और अमित शाह जी ने, देश के गृहमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी ने देश हित में जो फैसले लगातार लेने लग रहे हैं, कुछ हमारे देश के सामाजिक तत्व जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, उनको हम जवाब देना चाहते हैं कि इस देश में जिस दिन ये समर्थन करने वाले खड़े हो गए ना, तुम्हारे यहाँ रहने का जगह नहीं मिलेगी। आप या तो सावधान हो जाए, देश को हानि न पहुँचाएं, आप देश की संपत्ति को नुकसान न पहुँचाएं। आपको ये चेतावनी भी देते हैं और आग्रह भी करते हैं, नहीं तो ये देश जिस दिन इसके समर्थन में खड़ा होगा तो आपको यहाँ छुपने की। अजमेर के नसीराबाद में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल हाउसिंग बोर्ड के पास सुबह मोटरसाइकिल पर जा रही मां बेटी को एक ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं बूढ़ी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को नसीराबाद चिकित्सालय पहुंचाया गया। खबर कोटा के रामगंज मंडी से है, जहां पर देवली गांव में युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गांव से लापता हो गया, जिसके बाद परिवार वालों ने युवक की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर युवक के पिता ने चेचट थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं ग्रामीणों ने गांव के ही 3 युवकों पर अपहरण करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। चुरू के रतनगढ़ में 8 माह पूर्व खंडर में ले जाकर जबरन दुष्कर्म करने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर देह शोषण करने का मामला आज सामने आया है। इसको लेकर रतनगढ़ तहसील के राजल देसर थाने में युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। युवती के परिजनों के साथ जो है वो थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया गया है। फिलहाल पुलिस SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच कर रही है। ये यहाँ राजल देसर की रहने वाली कोई बालिका है, जिसने कोई एक जयपुर का लड़का है उस पर आरोप लगाया है कि उसने 8 माह पहले उसके साथ कोई दुष्कर्म किया और अब उसको ब्लैकमेल कर रहा है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। चुरू के रतनगढ़ क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन भी कोहरा छाए रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि कोहरे के चलते बस और ट्रेनों का संचालन भी देरी से हुआ, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रेन लेट की वजह से यात्रियों को भारी मुश्किलों की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कोहरे की दृष्टता 15 मीटर की थी, जिसकी वजह से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। वही कोहरे से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है।
काफी हमारे को ऑफिसों में समय पर पहुंचने में समस्या आती है। हम गंतव्य स्थान पर समय से नहीं पहुंचते हैं, इसलिए बहुत सारी समस्याएं हो रही है। ठंड का भी प्रभाव है और इतनी परेशानियां हो रही है कि आम जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और ट्रेनें लेट होने से सारे शेड्यूल पहुंचने के चलने के सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दूर दराज के लोगों को आसानी से मिल रहा है। वहीं रानीखेत के भड़गांव में भी सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ले रहे किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हित में बहुत सही कदम उठा रही है। वहीं भड़गांव के काश्तकार मोहन बेलवाल ने कहा कि उद्योग विभाग की ओर से वर्मी कंपोस्ट पिट और एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के तहत टैंक का निर्माण कराया गया है। मैं बीज वगैरह के लिए भी पैसा देते हैं, बीज भी देते हैं और टैंक वगैरह तो आपको बता ही दिया मैंने। पानी के टैंकों के लिए पूरा सामान वगैरह सभी कुछ दे रहे हैं, बाकी फिनिशिंग के लिए पूरा दे रहे हैं, बाकी प्लांट वगैरह देने के लिए भी कह रखा है, अभी दिए तो नहीं है, देंगे वो भी। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आगे की रणनीति के साथ ही केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। वह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि 28 दिसंबर को देहरादून में संविधान बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि देश में बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और ठप कानून व्यवस्था सहित कई बिंदुओं को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरने जा रही है। आज की जो बैठक मैंने आहूत की है वो देहरादून शहर के जो हमारे अध्यक्षगण हैं और जो हमारे पार्षद चाहे जीते हों या हारे हों उनको हमने आज बुलाया है इस बात के लिए कि 28 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, सोनिया जी के आह्वान पर भारत बचाओ संविधान बचाओ 28 तारीख उस दिन मार्च हम करेंगे देहरादून के अंदर, तो उसके लिए बुलाया है, उसकी तैयारी की परिप्रेक्ष्य। 17 दिसंबर से शुरू हुई इस शव यात्रा का समापन देहरादून में हुआ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में इस शव यात्रा का दाह संस्कार किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नेथानी के नेतृत्व में इस यात्रा को देवप्रयाग से शुरू किया गया था। ये यात्रा प्रदेश भर के कई क्षेत्रों से होती हुई देहरादून पहुंची, जहां रिस्पना नदी में इस शव का दाह संस्कार किया गया। वही पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नेथानी ने कहा कि बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली के विरोध में इस शव यात्रा को निकाला गया था, जिसमें विशेष रूप से एनसीसी अकादमी का स्थानांतरण, चारधाम देवस्थान बोर्ड के गठन के विरोध के साथ ही राज्य की बदहाल शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन किया जाएगा। रुड़की के आशीर्वाद एनक्लेव में 22 से 28 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आयोजन समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योतिषाचार्य पंडित रजनीश शास्त्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, इस बार भव्य रूप से कथा का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि कथा का उद्देश्य बच्चों में संस्कार, धैर्य, विश्वास पैदा करना है और कथा के माध्यम से भगवान की वाणी जन जन तक पहुंचाना, लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करना, बच्चों में संस्कार पैदा करना है। उन्होंने बताया कि धार्मिक कार्यक्रम समाज को जोड़ने का काम करता है। आपको बता दें कि इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में नगर के विधायक प्रदीप बत्रा शिरकत करेंगे। दिनांक 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक आशीर्वाद एनक्लेव सोसाइटी में आयोजित की जा रही है, जिसमें
मुख्य वक्ता के रूप में मैं आचार्य रजनीश शास्त्री और कार्यक्रम के संयोजन के रूप में श्रीमान राजन आहूजा जी और इसका जो पूरा आयोजक मंडल है आशीर्वाद देने के लिए विकास समिति है और पिछले 3 सालों से निरंतर यह कथा आयोजित की जा रही है। इस बार इसमें कुछ हमने और बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम को विस्तृत किया है, तो आप सभी लोगों का इसमें स्वागत है। रामनगर के 20 साल के होनहार क्रिकेट खिलाड़ी अनुज रावत अब आईपीएल में नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल की फ्रेंचाइजी ने अनुज रावत को 80 लाख में खरीदा है। वह इस खबर से रामनगर सहित नैनीताल वासियों में खुशी का माहौल है और अनुज के घर पर लोगों का बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि रामनगर रूपपुर निवासी किसान वीरेंद्र सिंह रावत का छोटा बेटा, बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर अनुज रावत को राजस्थान रॉयल की फ्रेंचाइजी ने आईपीएल के लिए 80 लाख में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि क्रिकेट का एक बड़ा प्लेटफॉर्म आईपीएल के माध्यम से उसे मिला है और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान रॉयल ने जिस उम्मीदों से उसे खरीदा है या लिया है तो वो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हुई मुझे, बहुत खुशी हुई कि मेरा पोता राजस्थान उसमें निकल गया, बहुत खुशी हुई। ऐसे ही दिमाग ऐसे ही निकलते जाए, ऐसे ही बहुत बाप दादू की सबको उसने नाम रोशन कर दिया। पुरानी पेंशन योजना बहाली सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले जनपद के शिक्षकों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर विशाल रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वह शिक्षकों का कहना है कि वर्ष 2006 से वो विभिन्न स्तरों पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि सरकार मांगे नहीं मानती है तो संसद के बाहर पूरे देश के शिक्षक धरना प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन पुरानी पेंशन बहाल करो को लेकर के चल रहा है। ये अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड में और 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी और शिक्षकों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी और एनपीएस लागू कर दिया है। हमारा मानना है कि एनपीएस योजना एक धोखा है। अगर ये इतनी अच्छी थी तो ये माननीयों को, जो हमारे माननीय विधायक हैं या माननीय सांसद हैं, उनको क्यों लागू नहीं की गई। इसके अंदर जो कर्मचारियों का और शिक्षकों का पैसा है वो प्राइवेट सेक्टर में लगाए जा रहे हैं, जिसकी कोई गारंटी नहीं कि वो सेवानिवृत्ति के बाद उसको पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी। हम ये कह रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन की गारंटी इसके अंदर हमको दे दें कि जो रिटायरमेंट के समय जो उसका वेतन है उसका आधा वो पेंशन हमको दे दें तो हम इसको स्वीकार कर लेंगे। और फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।